सबसे पहले एक सीधी लकीर खींचेंगे, ऊपर में थोड़ा सा पार्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को जम्मू और कश्मीर बनाना है। एक छोटा सा निशान यहां पर जम्मू और कश्मीर के लिए बनाएंगे, आधा बिल्कुल आधा से थोड़ा सा ऊपर एक निशान बनाएंगे। ये भारत का कर्क रेखा है और इससे थोड़ा सा नीचे और इन दोनों के बीच हाफ में आधा से थोड़ा सा ऊपर हम यहां पर भारत के दक्षिण भारत का आधा हिस्सा बनाएंगे। इसको थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा रखेंगे, इसे हम लगभग 4 गुना बड़ा रखेंगे। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यह लंबाई से थोड़ा छोटा होना चाहिए। यदि लंबाई आपका 20 सेंटीमीटर या 20 इंच है तो चौड़ाई आपका 18 इंच होना चाहिए। इस चीज का, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा निशान बनाएंगे, यहाँ हम लोग बांग्लादेश को बाहर निकालेंगे। अब आइए हम लोग भारत का मानचित्र बनाना शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग भारत का मानचित्र में जम्मू और कश्मीर बनाना। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा बनाएंगे, यहां पर ये छोटा सा पार्ट बनाएंगे और इस हिस्सा में हम ये भारत का जम्मू कश्मीर और नीचे पंजाब और राजस्थान वाला पार्ट को अलग कर देंगे। यहां से हम लोग ये कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। ये हमारा हो गया ऊपर भारत का, ऊपर का हिस्सा जम्मू और कश्मीर। अब यहां से हम लोग उत्तराखंड वाला हिस्सा में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहां से उत्तराखंड के लिए नीचे मोड़ लेंगे, जहां से इधर नेपाल का हिस्सा बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा ये फूलेगा जिससे इधर उत्तर प्रदेश और आधा आधा के हिस्सा में यह बिहार निकल जाएगा। फिर यह हिस्सा सिक्किम का निकलेगा और यहाँ से गैंगटॉक बाहर, यहाँ से भूटान बाहर हो जाएगा। यह पूरा हिस्सा नेपाल है, यह सिक्किम है और यह बीच का हिस्सा भूटान है जिसे हम भारत से बाहर कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा एम शेप होगा, फिर यहाँ पर भी एक एम शेप होगा और ठीक इस सिक्किम के नीचे वाले हिस्सा में हम लोग बांग्लादेश बनाएंगे। यहां से ये त्रिपुरा बाहर निकला, थोड़ा सा निकलकर यहां पे ये पतला हिस्सा ये मिजोरम बाहर निकला, ये त्रिपुरा का हिस्सा बना, ये मिजोरम का हिस्सा बना और अब इसको हम लोग अपने इस पूर्वी भारत से जोड़ देंगे। ये बांग्लादेश बन गया। यहां बीच की रेखा हमारी कर्क रेखा है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ नीचे में दक्षिण भारत के हिस्सा पर आएंगे। यहाँ से पहले इसको बना लेते हैं। ये वेस्ट बंगाल का एक पार्ट निकला, ये उड़ीसा का एक पार्ट निकला, यहाँ से ये चिल्का झील निकला, चिल्का लेक। एक डब्लू के शेप में यहां पर ये साइड का हिस्सा निकला। अब हम लोग भारत ये केरला वाला हिस्सा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से अब महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे और यहां एक छोटा सा यू से ऊपर से गोल घुमाकर ये गुजरात का हिस्सा बनाएंगे और ये गुजरात का कच्छ वाला हिस्सा बनाएंगे। यहां से हम लोग राजस्थान का हिस्सा बाहर निकालेंगे और फिर इसको इस पंजाब वाले एरिया से होते हुए जम्मू कश्मीर में मिला देंगे। देखिए भारत का नक्शा बनकर तैयार हो गया।